Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी भाइयों को मैं विश करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी विश्वकर्मा पूजा. आप लोग इस विश्वकर्मा पूजा को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना, और ये बहुत फेमस होता है फ्रेंड्स बंगाल के अंदर. बंगाल में घर घर में जो है विश्वकर्मा की पूजा होता है, और इस दिन विश्वकर्मा पूजा वाले डे वहाँ पर ज़बरदस्त काइट फ्लाइंग काइट फाइटिंग होती है. जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है पश्चिम बंगाल के अंदर. पूरे बंगाल के अंदर जो है विश्वकर्मा डे में ही पतंग उड़ाई जाती है. उसके अलावा सरस्वती पूजा में भी उड़ाई जाती है. कोलकाता का एक जो हुगली वाला एरिया है, हुगली वाले एरिया में सरस्वती पूजा में भी पतंग उड़ाई जाती है. हाँ, और एक बड़ा बाजार बागड़ी मार्केट का भी एरिया है, और उस एरिया के अंदर जो है आप लोगों का अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत पतंग उड़ाई जाती है. तो फ्रेंड्स, कोलकाता में तीन सीज़न आता है, अद्भुत बात है ये. सब जगह, जैसे दिल्ली में तो 15 अगस्त में एक सीज़न आता है, और गुजरात में आपका पूरा अहमदाबाद सूरत और बड़ौदा उधर एक सीज़न आता है आपका, वो होता है मकर संक्रांति पे यानी 14 जनवरी वाले दिन. और पंजाब और पूरा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूपी इन सब जगह वसंत पंचमी में यानी वसंत वाले दिन बहुत पतंग उड़ाई जाती है. उसके अलावा इलाहाबाद में जो है काफ़ी सारी पतंग जो होली वाले दिन उड़ाई जाती है. इस तरह से मुरादाबाद में जो है आपका रक्षाबंधन पे उड़ाया जाता है. बहुत सारे शहर में रक्षाबंधन पे उड़ाई जाती है. और आपका लखनऊ में दिवाली के नेक्स्ट डे लखनऊ में बेशुमार पतंग उड़ाया जाता है. पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है. तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सबसे पहले आज वेस्ट बंगाल के लोगों को विश किया, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा में वो लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो मैंने सोचा कि पहले इनको विश कर दूँ, एक दिन पहले ही विश कर देता हूँ. तो और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा मैं कोलकाता के लोगों को, वेस्ट बंगाल के लोगों को बांग्ला में भी जो है विश करना चाहूँगा. दादा, आपनारा खूब विश्वकर्मा पुजोटा के भालोभावे आपनारा एन्जॉय करबें, सेलिब्रेट करबें. आपनादेर शुभेच्छा जानाच्छी आमी, आर खूब सावधानेर संगे करबें. केननारा प्लीज़ आपनारा प्लीज़ 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 आपनादेर काछे एकटा रिक्वेस्ट आछे कि आपनारा चाइनीज मांझा एकदम उड़ाबें ना. दिल्लीते तो अनेक उड़छे चाइनीज मांझा. आमी तो अनेक रिक्वेस्ट करेछि लोकेदेर काछे आर आपनादेर काछेओ करछि कि प्लीज़ आपनारा एकटुखानी केयर करबें बाच्चादेर, आर बाच्चादेर एकटुखानी सावधान राखबें कि ओरा जेनो चाइनीज मांझाटाके ना यूज करे. सेटा खूबई भालो हबे. केन आमादेर जे पुरो भारतवर्षे घुड़ी ओड़ाबार जे एकटा आमरा जेटा एनजॉय करी, एटा अनेक बहु बहु बछर पुरोनो. एटा आजकेर नय, ट्रेडिशनलि अनेक पुरोनो. आर एटा खूब আমরা খুব ভালোভাবেই সেলিব্রেট করে এসেছি ছোটোবেলা থেকে নিয়ে এখন অবধি. কিন্তু এখন ব্যাপারটা কী হচ্ছে, এখন চাইনিজ মাঞ্ঝা প্লাস্টিক মাঞ্ঝা মার্কেটে এসে যাওয়ার জন্যে আমাদের অনেক অসুবিধে হচ্ছে. অনেক লোক মারা যাচ্ছে, অনেক লোক ইনজার্ড হচ্ছে. পাখি আকাশে সুন্দর সুন্দর পাখি যারা উড়ছে তারাও ইনজার্ড হচ্ছে, মারা যাচ্ছে. তো সেই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেদের কাছে কি প্লিজ আপনারা একটুখানি প্লিজ 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 দেখবেন ছোটো বাচ্চারা যেন চাইনিজ মাঞ্ঝা বা প্লাস্টিক নাইলন মাঞ্ঝা দিয়ে বা পান্ডা মাঞ্ঝা দিয়ে ঘুড়ি না ওড়ায়. तो फ्रेंड्स, मैंने अभी वेस्ट बंगाल के लोगों को बांग्ला में भी उनको विश कर दिया, और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करी है कि प्लीज़ वहाँ पे भी चाइनीज़ मांझा नायलॉन और प्लास्टिक मांझे से पतंग वगैरह ना उड़ाया जाए, और क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है. और मैं सब जगह ही लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये मैंने बांग्ला में थोड़ा सा जो मेरे को बांग्ला आता है तो उसमें मैंने समझाया है. तो ये देखिए, मैंने एक ये पिछले साल पतंग बनाया था, और ये विश्वकर्मा पूजा वाले दिन हमने उड़ाया भी था इसको, उसी दिन बनाया भी था. ये लास्ट ईयर का बना हुआ है. और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पतंग जो है इस तरह की डिज़ाइन की पतंग ब्राज़ील में उड़ाई जाती है. जी हाँ फ्रेंड्स, ब्राज़ील में उड़ाई जाती है. और कोलकाता के लोग जो हैं, इसमें देखिए दो मछली बना हुआ है, दो मछली बना हुआ है. और कोलकाता लोगों का जो फेवरेट डिश है वो फिश एंड चावल है, तो इसलिए मैंने पतंग में मछली भी बनाई है. और उसमें हावड़ा ब्रिज है, और आई लव कोलकाता लिखा हुआ है, द सिटी ऑफ जॉय लिखा हुआ है. हावड़ा ब्रिज देखिए बीच में बना हुआ है, कितना खूबसूरत हावड़ा ब्रिज है. और ये ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत खूबसूरत शहर है कोलकाता. और मैं बहुत बार गया हूँ, अनलिमिटेड टाइम कोलकाता गया हूँ, और मैंने बहुत इन्जॉय किया. तो कोलकाता वालों को मैं एक थम्स अप करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि आई लव यू कोलकाता. ये बात तो मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि कोलकाता बहुत खूबसूरत शहर है. और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि इस पतंग में
इस पतंग को मैंने ब्राज़ीलियन काइट क्यों बनाया था लास्ट ईयर विश्वकर्मा पूजा वाले दिन, उसका वजह ये है क्योंकि कोलकाता के लोग जो है फुटबॉल बहुत लाइक करते हैं और ब्राज़ील का एक टाइम में बोलबाला था फ्रेंड्स। जी हाँ, और कोलकाता के लोग जो है बहुत एकदम डाई हार्ट सपोर्टर हैं ब्राज़ील के। जी हाँ, कलकत्ता के 70% लोग जब भी फुटबॉल मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है या यूरोपियन कप होता है, सॉरी वर्ल्ड कप जब फुटबॉल मैच होता है, यूरोपियन कप में तो ब्राज़ील आ ही नहीं सकता, तो मैं सॉरी कहता हूँ उसके लिए, और वर्ल्ड कप का जब मैच होता है उसमें जब ब्राज़ील खेलती है तो पूरे कोलकाता में से 70% लोग ब्राज़ील के सपोर्ट में जुड़ जाते हैं और एकदम ब्राज़ील को जो है एकदम उनकी बैकिंग ब्राज़ील की रहती है। तो इसलिए मैंने ये ब्राज़ीलियन काइट बनाया था और ब्राज़ील में इस तरह की पतंग बना के उड़ाई जाती है और इसका कमांड ठड्डा फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब तो ये तो मैंने कोलकाता वालों को विश कर दिया, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पतंग फ्रेंड्स मैंने बनाया था अभी एक हफ्ता पहले बनाया था और इसको बना करके उड़ा करके आप लोगों को दिखा दिया, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। फिर उसके बाद आज मैंने ये बनाया है और ये हमारी जो बिल्ली है क्रुक शाइन, उसको देख करके मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये देखिए, ये फाइटर काइट है, इसमें डबल कमान लगा दिया गया है और इसको फाइटर काइट बनाया गया। इसको लड़ा करके दिखाऊंगा किसी दिन, आज थोड़ा सा इसको उड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ और किसी आने वाले दिन जो इसको लड़ा करके भी दिखाऊंगा मैं। और उसके अलावा ये वाली पतंग मैंने बनाई थी, ये वाली पतंग मैंने बनाई थी और इसको जब मैंने बनाया था तो बहुत तेज़ बारिश आ गया था, तो जल्दी जल्दी मैं बनाना पड़ा था। इसके बालों की कटिंग और कान की कटिंग मैं नहीं दिखा पाया था, उसका वजह यह था कि बारिश से इस पतंग को बचाना था, लेकिन ये पतंग फिर भी डैमेज हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कलर फेड हुआ है बारिश की पानी लग करके, क्योंकि ये पेपर बहुत बेकार होता है। ये वाला पेपर अच्छा है, ये एक्चुअली में ये काइट पेपर है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने 4 पेपर ला करके मेरे को दिया है, पता नहीं कहाँ से ला करके दिया। ये काइट पेपर पे बना हुआ है, ये बिल्कुल एकदम बेकार पेपर पे बना हुआ है। और ये देखिए, इस तरह से इसका कमांड ठड्डा लगा हुआ है। और एक पतंग मैंने और बनाई है और ये देखिए, इसको भी हमने बनाया है और ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसको किसी सब्सक्राइबर ने बोला था, अंकल स्माइल वाली पतंग बनाओ, तो ये देखिए ये, और इसमें कितनी सिमिलियरिटी है। और ये जस्ट बच्चों के लिए बनाया है, ये सब पतंग बच्चों के लिए बनाता हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में जो है बच्चों के लिए बहुत कुछ नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, और बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन पे ही खेलते रहते हैं। जैसे हमारा ये बिल्ली क्रुक शैंग है ना, वो भी मोबाइल पे खेलता है, बॉल से खेलता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए वीडियो में, वीडियो दिखाइए इनको, क्रुक शैंग की वीडियो दिखाइए कैसे बॉल से खेल रहा है और कैसे मोबाइल फ़ोन से खेल रहा है, उसको भी मोबाइल का चस्का लग गया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब छत पे चल करके थोड़ा सा इसको उड़ा करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग उड़ाने लग रहे हैं और हम लोग ऊपर आ गए और 3 पतंग उड़ाएंगे, तीनों को बारी बारी से उड़ाएंगे और उड़ा करके देखते हैं कि उड़ने में कैसा है। तो चलिए ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें कमांड ठड्डा आप देख लीजिए कि कैसे लगा हुआ है, इसमें कमांड ठड्डा जो है इस तरह से लगाया गया है और इसको फाइटर काइट बनाया गया, तो चलिए इसको उड़ाते हैं। और फ्रेंड्स आपको बताऊं कि सूरज की वजह से जो है आपको इसको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ बना फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि बिल्कुल अभी आज ही बनाया है और बिल्कुल ताज़ा बनाया है, इसलिए मैं खींचूंगा नहीं इसको।
और सूरज की रोशनी की वजह से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके भीतर का जो है जो कैट है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल एकदम सामने सूरज पड़ रहा है फ्रेंड्स। अभी ज़्यादा खींच भी नहीं सकता इस पतंग को मैं। सूरज की वजह से इसका जो डिज़ाइन है वो नहीं दिखेगा आप लोगों को, और बिल्कुल खींचूंगा नहीं मैं अभी, क्योंकि बिल्कुल ये देखिए इसका चक्कर देखिए आप लोग, ये देखिए ऐसा चक्कर देख रहे हैं आप, कैसा चक्कर है इसका, बाप रे बाप कितना खतरनाक चक्कर है। वाओ क्या चक्कर है इसकी, देखिए बिल्कुल एकदम बिल्ली का चक्कर देखिए, राइट लेफ्ट दोनों ही चक्कर देखिए बिल्ली का, क्या मस्त चक्कर ले रही है। और तो फ्रेंड्स एक दो बार आपको और इसका चक्कर दिखा देता हूँ, ये देखिए चक्कर देखिए आप, बहुत मस्त है। और अब इसको भीतर का दिख रहा है इसका, नहीं दिख रहा है ना, एकदम पास लाने से दिखेगा, अब दिखा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। अभी इसका भीतर का आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सूरज की एकदम ठीक सामने पड़ रहा है, और सूरज की रोशनी की वजह से कुछ नहीं दिखता। तो अब हम लोग इसको उतारने लग रहे हैं, और देखिए अभी देखिए इसका चक्कर आप चेक कर लेता हूँ एक बार, और बहुत बढ़िया है, अगर मैं खींचूँगा तो इसके जॉइंट्स खुल जाएंगे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि राउंड पतंग भी उड़ाई जा सकेगी, और देखिए हमने राउंड पतंग उड़ा दी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स अब उतार ले रहे हैं इसको, भीतर का बिल्ली आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप एकदम सामने है। ये देखिए फ्रेंड्स सबने इसको उतार ली, और अभी इसमें ऊपर गीठ बांधना पड़ेगा, कम से कम दो गीठ बांधने पड़ेंगे तब ये पतंग जो है और अच्छी तरह से उड़ेगी। अभी भी इसमें देखिए इसका फेविकॉल मेरे हाथ में चपक रहा है, ये देखिए जो सारा आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट कलर का, ये सारी जो शाइनिंग हो रही है ये सारा फेविकॉल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम रख देते हैं, रख करके दूसरी उड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही दूसरी पतंग, अब हम लोग इसको उड़ाने लग रहे हैं। और ये काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को बोला था, अंकल रिक्वेस्ट भेजी थी, अंकल इस तरह की एक ट्रायंगुलर पतंग बना करके दिखाओ। फ्रेंड्स ये पूरा ट्रायंगुलर है, अगर इसका आप ये वाला पूंछ निकाल देंगे तब आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। ऐसे भी मैं आपको बता दूं ये पूरा ट्रायंगुलर पतंग है, जितना इधर का डिस्टेंस है उतना इधर का इतना है पूरा एकदम। और इसकी पूंछ देखिए रेड एंड येलो कलर की पूंछ लगाई है हमने, और काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजा था। तो अब इसको हम लोग उड़ा देते हैं, जाओ उड़ो, देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से उड़ता है। और मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ाऊंगा आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि इसका स्माइल देखिए कितना प्यारा स्माइल है इसका, जीभ निकाल करके, पता नहीं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें आजकल बनने लग गई। और देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से उड़ता है, और बहुत मस्त है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, छोटे छोटे बच्चे इस तरह की पतंग बना करके उड़ा सकते हैं, अपने आप ही घर पे बना करके उड़ा सकते हैं। मैं सब काम बहुत आसान कर देता हूँ लोगों के लिए। थोड़ा सा DSLR से दिखा दे बस, फ्रेंड्स एक थोड़ा सा पंख छोटा हो गया रेड वाला, हाँ रेड वाला पंख छोटा हो गया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसका जो रेड पंख है वो कागज़ ख़त्म हो गया था,
इसलिए थोड़ा सा छोटा है, हल्का सा 2 फीट के 2.5 फीट के करीब छोटा है, बाकी ठीक है, मस्त है, उड़ने में मज़ा आ रहा है बहुत उड़ा करके। जब छोटे छोटे बच्चे इस तरह की पतंग उड़ाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाय हाय क्या बात है, इससे काइट फाइटिंग करने में भी बहुत मज़ा आएगा। जब इसके हम दोनों के दोनों साइड के वो उतार देंगे, पंख उतार देंगे, तो फिर ये फाइटर काइट बन जाएगा और बहुत मज़ा आएगा उसको पेच में चढ़ा करके। मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे अगर 4 घंटे पढ़ते हैं रोज़, पढ़ाई 4 घंटे करते हैं, तो 2 घंटे खेल कूद में भी बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी खेलेंगे, कुछ भी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कुछ भी खेलेंगे, आप मजबूत रहेंगे, और आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ जो है आप लोग कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए आउटडोर। और मैंने तो बहुत सारे खेल खेले हैं, अब पतंग भी उड़ाता हूँ, इसीलिए मैं पतंग उड़ाता हूँ ताकि मैं फिट रह सकूँ। इसको रोड पे गिरा दूं ये देखिए कैसे पंख खोल करके उड़ रहा है अपने, ये देखिए जाता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, आगे आगे पूछ, पीछे पीछे पतंग। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला, अंकल रेक्टेंगल वाला पतंग कब बनेगा, कब बनेगा। लो मैंने बना दी और उड़ा भी दी, अब इसको किसी दिन बना करके भी आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा मैं पेपर के लिए वेट कर रहा हूं कि अच्छी पेपर मिल जाए मेरे को, अजंता या खदीमा का पेपर मिल जाए तो मैं उससे बनाऊँगा। इन सब पेपर से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये पतंग बरसात में बनाई गई है तो इसलिए सिल गया है, थोड़ा सा सिला हुआ है, बहुत ज़्यादा ये पेपर ख़राब है। जाओ 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 और जाओ और जाओ और जाओ, रोड पे जाओ, रोड पे जाओ। फ्रेंड्स ये पतंग मैं सदी से उड़ा रहा हूँ, मांझा नहीं है, तो अब मैं इसको उतार लेता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रेंड्स ये मैंने उतार ली इसको, अब मैं एक और उड़ाऊंगा, इसको रख देता हूँ, रख करके दूसरा उड़ाता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, अभी इस वाले को उड़ाते हैं, और इसको आप लोगों ने बनते हुए देखा है, और जिस दिन हमने बनाया था बहुत बारिश आई थी, और जो वो ट्रायंगुलर वाली काइट है वो भी भीग गया था और ये भी भीग गया था, इसके कलर्स बहुत जगह से फेड हो गए। तो चलिए थोड़ा सा झप मोड़ता हूँ, झप मोड़ करके इसको उड़ाता हूँ। और अरे बाबा, इसकी तो पूँछ ही उलझ गई, चलो आसमान में सुलझ जाएगा ये, चलो जाओ। देखूँ दादा, आप लोग देखिए कैसे उड़ रहा है, हमें खूब भालो लगछे, हमें एक छोटो बच्चा हो गए छी, घुड़ी उड़ाते उड़ाते हमार मन आकाशे दिखे, घुड़ी आकाशे दिखे, देखूँ ये। इसको आप लोगों को बना करके दिखाया भी था, चलो राउंड लो, एक राउंड तो लो भैया, इसका पूँछ खोल देंगे तो बहुत अच्छा राउंड लेगा। ये 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 3 राउंड लिया, यानी 3 चक्कर मार दिया इसने। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त एकदम सुन उड़ रहा है, और इसको अगर मैं एक जगह बांध दूंगा, हवा की स्पीड अगर 4-5 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, 4-5 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर पर आवर की हवा की स्पीड रहेगी, तो फ्रेंड्स ये पतंग गिरेगी नहीं, क्योंकि ये राउंड पतंग है। इसका साइंस करता है, कहता है कि ये नीचे नहीं आएगा और ये गोल गोल घूमेगी। ये देखिए चलती चली जा रही है, देखिए कैसे जा रहा है, कैसे करके जाता है ये। और फिर ऊपर करो, फिर ऊपर हो जाता है,
आज आसमान बहुत क्लियर दिख रहा है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग उतार लेते हैं, काफ़ी देर हो गया उड़ते हुए इसको। लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको उतार ले रहे हैं और काफ़ी दूर उड़ा दिया है इसको। फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष। और मैं फिर से एक बार समस्त पश्चिम बंगाल के लोगों को और पूरे कोलकाता के लोगों को, वेस्ट बंगाल के लोगों को मैं फिर से एक बार विश करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। और आप लोग इस पूजा को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिए। हमें अपना दिन आबर थे एक बार शुभेच्छा जानी পুরো ভারতবর্ষেতে এবং ভারতবর্ষের বাইরে যেসব বাঙালিরা আছেন তাদের সবাইকে আমি আবার থেকে একবার শুভেচ্ছা জানাই। আর এই বিশ্বকর্মা পুজো আপনাদের বাড়িতে খুব আনন্দ আর খুব হর্ষ উল্লাস নিয়ে আসুক, এটাই আমি কামনা শুভকামনা করতে চাই আপনাদের জন্য। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, লাভ ইউ।